भाई आज बोले सो नवाब साहब कुंटे में मोहम्मद असलम कुरैशी है। नवाब साहब कुंटे में रहता हूँ मैं, ये फलकनामा पीएस लगता हमारे को। आज जो है ना, एक गंजेटी आदमी जो है हमारे घर के गाड़ियों में से पेट्रोल निकाल रहा था। हमारे भौने दावत में से आए थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको। पकड़ते ही चाकू निकाल के मार दिया, पूरा जबड़ा फट गया उनका। अब दवाखाने में लेके आए, पीएस में कंप्लेंट भी दिए, एक्शन ले रहे हो ना भी। ये डेली का हो गया सब हमारी गली में। जो बोले ने आता पेट्रोल निकाल लेता, गंजेटे आते। पुलिस तो आती नहीं, साल में एक बार आई आई, नहीं तो आती नहीं, वो भी कुछ हादसा हुआ तो। अब पुलिस को भी आधा घंटा ठहरे तो, हम लोग कॉल करे तो, दो बार कॉल करे तो जब आया पेट्रोलिंग नहीं होती साहब हमारी गली में। पूछ लो, हमारे गली वाले भी है। आपका एरिया कौन सा है? नवाब साहब कुंटा, संजय गांधी नगर आता हमारा, कब्रस्तान के सामने अपोजिट गली में। मोहम्मद कासिम कुरैशी है साहब, बकरे काटते हम लोग मंडी में, जियागुड़ा मंडी में काम करते हम ना डेली। अब हुआ शाम में, रात में 1:30 बजे 2 बजे के बाद हुआ। नाम क्या है मारने वाले का? मारने वाले का नाम माजू बता रहे साहब। इससे पहले भी उन्हें मर्डर करे हुआ कुछ है बोल के सुनने में आ रहा। आओ कैसा है कहते, गांजा पी ले के फूल है, दो चाकुआ निकले उसका नहीं साहब। आओ हमला पकड़ के, हमला 8-10 जने पकड़े, हमारे भाई को भी पकड़े तो, उन्होंने भी छुड़ाने गए तो उनको भी मारने लगे दो तीन। हाँ उन्होंने भी जख्मी है, पीएस में गए, उन्होंने कंप्लेंट ये सब हो गई। उसको पकड़ के हमने 8-10 जने रस्सियों से बने तो, फिर बाद में पुलिस को 3-4 कॉल करे तो जब आए उन्होंने। नशे की हालत में से साहब अभी उसके पास से पेट्रोल मिला। हाँ पेट्रोल मिला, बकेट मिली, उसकी गाड़ी भी है बाजप्ता में लॉक डाल दिया गली में। वो गाड़ी में से पेट्रोल निकाला, हमारी गाड़ी में से निकाला, वो खाली एतराज करे तो उठा के मार दिया। क्या ये फर्स्ट टाइम निकालते हो? हर बार नहीं, हर बार होता साहब ये गली में। ए ने तो दूसरा जाना, दूसरा जाना तो तीसरा जाना, गांजा पी लेके रहते रातों में। नहीं दिए थे कंप्लेंट हम ना दिए इससे पहले भी, तो कैमरा डालेंगे बोले, फिर कोई भी वो नहीं करे। अब गली आते थे पहले तो पुलिस वाले गली में हमारे, चाकू जमिया है उन लोगों ने, दो जमिया है एक ही ने। वो पुलिस वालों को हमने दे दिया, उन्होंने चाके उठा लिया और गांजे के पोड़िया गोलियां वो निकले साहब उसका, पूरा नशेली है। तो जब आप जैसा बोल रहे, इससे पहले कंप्लेन करे थे बोल के, जब कुछ एक्शन हुआ था पुलिस की तरफ से? कुछ भी ना होता साहब ऐसा काम, कैमरे लगा लो आप लगाज बोले, ना कोई आता गली में ना कोई पूछता हमारे में। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए बोले नहीं आती साहब, एक बार भी नहीं आती। आप लोग बोले थे आने के? वो बहुत पहले बोले थे हमने, अपने आ रहे बोल के छोड़ दिया हमने भी बोले। देखा कुछ पुरानी दुश्मनी थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं है साहब हमारी उनकी, कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है साहब। तो सिर्फ और मेरी तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है, और ये गांजे वाले बेचने वाले खरीदने वालों पे एक्शन ले रहे नहीं ले रहे, हमारे कहने ये होगा। आप लोग पेट्रोलिंग पे भी नहीं रहते, जहाँ रहते वहाँ पे भी नहीं रोक रहे, यहाँ पे नहीं रहते जगह भी आप लोग एक्शन नहीं ले रहे साहब। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारे एस एस साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ज़रा कुछ भी कराइए। और क्या बच्चे हैं उनको, 4 बच्चे, आज खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो बड़ा हादसा। अब ये कल्ला फाड़ दिया ने, 8-10 टाके लग रहे उनको, यहाँ खाने पर लगा। फ़ोन करेंगे साहब वो सब, हम बोलते रह जाएंगे खाली, गवर्नमेंट कुछ करना, हम टैक्स बनते ये करते वो करते, गांजे पे कुछ एक्शन लियो साहब। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए